है तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोड विद यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है वो हमारे इस फूड रेसिपी ऐप के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। और आज का वीडियो यार आपको लगेगा कि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बट काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सीखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर फॉन्ट को आप डाल सकते हैं, किस तरीके से आप जो है वो यहाँ पर स्टैक विजिट के साथ में काम कर सकते हैं, क्योंकि उसे सीखना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और हम हमारे इस फूड रेसिपी ऐप में आज एक सर्च बार लगाएंगे, एक हेडिंग लगाएंगे और एक उसके नीचे छोटी सी हेडिंग लगाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको मालूम है कि पिछले वीडियो में हमने जो है स्टैक विजिट की मदद से जो है वो कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड बना लिया था हमारे ऐप में, और कुछ हेलो आई एम होम पेज नाम का टेक्स्ट भी यहाँ पर डाल दिया था। तो अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा तो आप यहाँ बटन पर क्लिक करके वाला वीडियो सुपर फास्ट तरीके से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यार, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ मेरी होम डॉट डार्ट में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने यहाँ पर हेलो आई एम होम पेज लिखा है। अब मैं क्या करूँगा यार कि इस हेलो आई एम होम पेज को जो है यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और इसके जगह मैं कुछ और डालना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर जो है वो मेरा जो मीडिया क्वेरी के अंदर मेरा जो है वो ग्रेडियंट है। अब इसके नीचे जो है मैं बना रहा हूँ एक कॉलम, ठीक है। मैंने यहाँ पर बनाया है एक कॉलम और इस कॉलम के अंदर जो है वो मैं बना रहा हूँ चिल्ड्रन। इस चिल्ड्रन के अंदर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ सर्च बार। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि हम यहाँ पर सबसे ऊपर आए मेरा सर्च बार। अब सर्च बार का मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको सर्च बार को बनाना है, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा यार, हमारे मौसम वेदर ऐप से है वो, तो आप वो वाला वीडियो जाकर देख लीजिए। एकदम सेपरेट वीडियो है यार, मतलब उसमें मैंने सिर्फ आपको सर्च बार बनाना सिखाया है। उसमें ऐसा नहीं है कि भाई उसमें सिर्फ मैं मौसम वेदर आपको सिखा रहा हूँ, मैंने आपको स्पेशली वो सर्च बार के लिए वो डेडिकेटेड वीडियो है, तो आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। मैं सेम उस वीडियो का कोड जो है यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो देखो यार, यहाँ पर मैंने कोड कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पर कर दिया उसको पेस्ट। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सर्च कंट्रोलर टेक्स्ट जो है वो आपको एरर दे रहा है, तो इसका लिए आपको मालूम होगा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर से जो इस कोर्स को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उन्हें मालूम होगा कि हमें यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, जिसका नाम हम सेम रख देंगे सर्च कंट्रोलर, ठीक है। और इज इक्वल टू हम न्यू इसमें टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर की जो है वो क्लास सेव करवा देंगे। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर की क्लास मैंने यहाँ पर सेव करवा दी। अब मैं इसे करूँगा हॉट रीलोड करने से पहले मैं एक और यहाँ पर काम करूँगा। यहाँ पर ये जो है वो सिटी का नेम लेता है, सर्च सिटी लिखा हुआ आता है, तो हिंट टेक्स्ट हम चेंज कर देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे लेट्स कुक समथिंग, ठीक है। लेट्स कुक समथिंग, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर हिंट टेक्स्ट डाल रहा हूँ। अब मैं इसको करूँगा हॉट रीलोड, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका टेक्स्ट जो है वो सॉरी आपका जो है वो यहाँ पर सर्च बार जो है वो यहाँ पर आ चुका है। अब मैं इस जो हमारा कॉलम है इसको, या फिर जो हमारा ये जो सर्च बार है इसको जो बस सेफ एरिया में डालना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो मैं ऊपर जाऊंगा और जहाँ से मेरा सर्च वाला कंटेनर शुरू हो रहा है इस पर मैं यहाँ पर बल्ब के आइकन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर रैप विथ विजिट पर क्लिक कर दूँगा, और यहाँ पर मैं विजिट का यूज़ कर रहा हूँ सेफ एरिया का। देन इसके बाद मैं कर दूँगा मैं इसे कम्प्लीटली हॉट रीलोड। तो देखो ये मेरा नीचे आ गया है बढ़िया तरीके से, और हमारा जो स्टेटस बार का कलर है वो भी वैसे के वैसे ही रहा है। तो यहाँ पर हमने सर्च बार तो लगा दिया। अब इसके बाद में हमें चाहिए दो हेडिंग, तो मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ जहाँ पर मेरा सर्च वाला कंटेनर खत्म हो रहा है, ये रहा यहाँ पर सेफ एरिया खत्म हो जाता है। इसके नीचे जो मैं एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ, और इस टेक्स्ट में सिंपल मैं कोई सा भी एक टेक्स्ट लिख दूंगा, जो आपकी मर्जी आप वो यहाँ पर डाल दे सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्हाट डू यू वांट टू कुक टुडे, कुछ इस तरीके का मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश मराठी बंगाली, जिसमें भी आपको लिखना हो आप अपने हिसाब से लिख दें। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक और टेक्स्ट, लेट्स कुक समथिंग न्यू, कुछ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर इसे करता हूँ यार हॉट रीलोड, तो आपको यहाँ पर चेंजेस दिखेंगे। नीचे टेक्स्ट आ गया, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि वो ब्लैक में। अब मैं इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देता हूँ, और मैं यहाँ पर कॉमा लगा के लिख रहा हूँ स्टाइल, यूज़ करूँगा मैं आपको जैसे कि पता है टेक्स्ट स्टाइल विजिट का। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं एडिट करना चाहता हूँ फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज़ को मैं यहाँ पर कर देता हूँ 50, करता हूँ उसको हॉट रीलोड। टेक्स्ट यहाँ पर काफ़ी बड़ा हो गया है और इसको मैं 50 की जगह कर देता हूँ 40, करता हूँ मैं इसको हॉट रीलोड। काफ़ी बढ़िया दिख रहा है यार। अब मुझे इसमें थोड़ी आइट साइड से पैडिंग शेडिंग चाहिए, तो उसके लिए मैं इस जो हमारा टेक्स्ट है और ये वाला जो टेक्स्ट है इसको मैं एक कंटेनर में रैप कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर एक कंटेनर विजिट बना रहा हूँ, और इस कंटेनर विजिट के अंदर मैं जो एक चाइल्ड बना रहा हूँ, इस चाइल्ड के अंदर जो मैं कॉलम विजिट पास करा रहा हूँ, इस कॉलम विजिट के अंदर जो मैं चिल्ड्रन पास करा रहा हूँ, मतलब चिल्ड्रन पास कराऊंगा, और इसके अंदर मैं जो दो हमारे टेक्स्ट है इसको मैं पेस्ट करा दूंगा। इतनी सारी माता पच्ची क्यों करी पैडिंग वैडिंग देने के लिए। अब मैं यहाँ पर कंटेनर में आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं इसे आसानी से पैडिंग दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा edge insets dot symmetric and horizontal में मैं इसे दे देता हूँ लेट्स सपोज 10 की पैडिंग,
और करता हूँ मैं इसको एक बार हॉट रीलोड, और 10 की पैडिंग थोड़ी सी कम में पड़ गई यहाँ पर, तो मैं इसको 15 की पैडिंग दे देता हूँ। करता हूँ मैं इसको हॉट रीलोड, अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा यार, तो मैं काम करता हूँ सबसे पहले तो इनका कलर चेंज कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कलर प्रॉपर्टी का कलर और कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। और अब मैं इसको करता हूँ एक बार हॉट रीलोड, तो अब आपको एकदम टेक्स्ट बढ़िया तरीके से दिख रहा है। इसी तरीके से मैं जो नीचे वाली हेडिंग है उसमें भी थोड़ी सी पहले स्टाइलिंग देके उसका कलर व्हाइट कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर एड टेक्स्ट स्टाइल विजिट का, और इसके अंदर मैं जो वो चेंज करूँगा इसका कलर सबसे पहली बात तो, और फॉन्ट साइज हम देखते रहेंगे। कलर्स डॉट एंड वाइट कुछ इस तरीके से। करता हूँ मैं इसको एक बार हॉट रीलोड, और देखो यहाँ पर वाइट तरीके से यहाँ पर आ गया है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये दोनों जो टेक्स्ट है मेरे यहाँ पर एकदम स्टार्टिंग में आए, तो मैं जो मेरा ये जो कॉलम है और इसमें जो मैं लिख दूंगा इसकी जो मेन सॉरी जो मैं इसकी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है, और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट मैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर के बजाय मैं डॉट स्टार्ट कर दूंगा। आपको पता है कि कॉलम की जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, तो स्टार्ट मतलब कि यहाँ पर आ जाएगी। करता हूँ मैं इसको एक बार हॉट रीलोड, देखो दोनों टेक्स्ट एकदम राइट सॉरी लेफ्ट में आ गए। अब ये हमारा काम हो गया, और थोड़ी सी मैं यहाँ पर पैडिंग वैडिंग दे रहा था यार, तो मैं इसको 15 की जगह 16 कर देता हूँ। करता हूँ इसको एक बार हॉट रीलोड, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा यार, 20 कर देता हूँ। करता हूँ इसको एक बार मैं हॉट रीलोड, और अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम बढ़िया तरीके से इधर आ गया है। इसके लिए तो हमारा काम हो गया। अब थोड़ा सा हम ये जो लेट्स कुक समथिंग वाला टेक्स्ट है इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, तो कलर के साथ साथ मैं यहाँ पर मैं कॉमा लगा के लिख दूंगा फॉन्ट साइज कुछ इस तरीके से, और इसको फॉन्ट साइज में देता हूँ 20। करता हूँ मैं इसको एक बार हॉट रीलोड, काफ़ी बढ़िया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज हो जाए, उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि दोनों टेक्स्ट के बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग दे देता हूँ। सिंपल मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा साइज बॉक्स का, तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ साइज बॉक्स, और इसको मैं तो देता हूँ थोड़ी सी हाइट, लेट सपोज देता हूँ मैं इसको 10, एंड मैं कॉमा लगा के कर दूंगा मैं इसको हॉट रीलोड कुछ इस तरीके से। अब ये काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, मैं चाहता हूँ इसका टेक्स्ट चेंज हो, तो मैं क्या करूँगा कि मैं पूरे प्रोजेक्ट का ही टेक्स्ट चेंज कर दूंगा, मतलब कि जहाँ पर भी अब मेरा टेक्स्ट लिखाएगा वहाँ पर उसी फैमिली का जो टेक्स्ट लिखाएगा, ताकि मुझे बार बार जो वो फैमिली नहीं डालना पड़े। तो मैं जो है यहाँ पर इसका डिफॉल्ट जो हमारा प्रोजेक्ट का टेक्स्ट है उसको चेंज करना चाहता हूँ, तो वो किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपना कोई सा भी जो आपको फॉन्ट चाहिए वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप जा सकते हैं यार गूगल फॉन्ट्स की वेबसाइट पर, और वहाँ पर जाकर आप कोई सा भी यहाँ पर फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं आपको जो भी जमे, ठीक है। मैंने यहाँ पर चुना है पॉपिंस को, पॉपिंस इसको मैंने चुना है, ये काफ़ी बढ़िया टेक्स्ट लगा मुझे। और बस आप उस टेक्स्ट पर क्लिक करिए जो भी आपको फॉन्ट चाहिए, उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड फैमिली पर क्लिक कर दें, तो डाउनलोड फैमिली पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसका जो है वो एक जिप फाइल बनकर आपके पास में आ जाएगी। जिप फाइल को आप जो है वो कहीं पर भी एक्सट्रैक्ट कर लें, जैसे कि मैंने यहाँ पर जिप फाइल को पहले से एक्सट्रैक्ट करके रखा है, और मैं जो है वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद में मैं आपको बता देता हूँ कंप्लीट की किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ डाउनलोड्स फोल्डर में, आपको कुछ इस तरीके से जिप फाइल आएगी, मैं जिप फाइल को करता हूँ यहाँ पर एक्सट्रैक्ट, और किसी भी एक फोल्डर में मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करके मैंने इसे एक्सट्रैक्ट कर दिया है, और एक्सट्रैक्ट तो मैंने यहाँ पर इसे कर दिया, बट ये रहा मेरा एक्सट्रैक्ट, मैंने यहाँ पर इसे कर दिया है। और ये करने के बाद में आप इसमें से कोई सा भी टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसमें से एक जो है वो फॉन्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, पॉपिन सेमी बोल्ड, मुझे ये फॉन्ट काफ़ी अच्छा लगता है यार, तो मैं इसे जो है वो यूज़ करूँगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा यार, इसके लिए मैं जो जाऊँगा मेरी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में, तो इसको जो मेरे प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं जो यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा मेरे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में, डायरेक्टरी पर क्लिक करूँगा, इस डायरेक्टरी को नाम दूंगा फॉन्ट्स, एंटर दबा दूंगा। देन इसके बाद में मैं जो है मेरा जो भी फॉन्ट है जिसे भी मुझे वहाँ पर डालना है मैं उसे जो यहाँ पर मूव करा दूंगा, मैंने यहाँ पर इसे करा दिया मूव, रिफैक्टर कर दूंगा मैं इसे, तो यहाँ पर मेरा पॉपिंस वाला फॉन्ट फॉन्ट आ गया है। अब यहाँ पर सिंपल फॉन्ट को ऐड करने से तो कुछ होता नहीं यार, आपको pubspec.yaml में जाकर अर्जी लगानी पड़ेगी कि भाई मैं यहाँ पर एक एक्सटर्नल आदमी को जो मेरे प्रोजेक्ट में लाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर फॉन्ट्स जो आपका टैग होता है उसको जो वो यहाँ पर इनेबल कर रहा हूँ, मतलब उसे अनकमेंट कर रहा हूँ, एंड उसके नीचे जो और फॉन्ट की 3 लाइन्स है उसे मैं यहाँ पर जो है वो क्या कर रहा हूँ, अनकमेंट कर रहा हूँ। एंड इसके बाद में मैं यहाँ पर इसकी बराबर से इंडेंटेशन मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, क्योंकि इंडेंटेशन का आपको यहाँ पर काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। अब इसके बाद में मुझे असेट में यहाँ पर मुझे फॉन्ट का जो वो रिलेटिव पाथ पास कराना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर फॉन्ट में जाऊँगा, देन पॉपिंस जो भी मेरा फॉन्ट है उसको सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, देन कॉपी पर जाऊँगा मैं, कॉपी पर जाने के बाद मैं कॉपी पाथ पर क्लिक करूँगा, देन एब्सोल्यूट और सॉरी पाथ फ्रॉम करंट कॉन्टेक्स्ट रूट पे मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पर उसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, सॉरी मैं उसे यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, इस फॉरवर्ड स्लैश को मैं बैक स्लैश कर दूंगा। देन इसके बाद में मैं यहाँ पर लिखूंगा पब गेट, और सॉरी मुझे यहाँ पर फॉन्ट फैमिली का नाम भी चेंज करना पड़ेगा, तो मैं इस फॉन्ट फैमिली का नाम पॉपिस रख रहा हूँ, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं भाई, ध्रुव भी रख सकते हैं,
कोट भी दुर्ग रख सकते हैं, राम श्याम घनश्याम कुछ भी आप रख सकते हैं। देन इसके बाद में आप अपग्रेड करें और यहाँ पर आपकी कंप्लीट सेटिंग्स जो है वो सेव हो जाएगी। देन इसके बाद में आपको मेन डॉट डाटा में जाना है और जैसे ही हमारा अपग्रेड कंप्लीट होता है यहाँ पर आपको गेट डिपेंडेंसीज का बटन आएगा, उस पर आपको क्लिक करके डिपेंडेंसीज को आपको पहले गेट कर लेना है। ठीक है, मेरे इसमें अभी नहीं आ रहा, आपके इसमें आएगा। देन इसके बाद में आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर जो आपका थीम डेटा लिखा है यहाँ पर आपको फॉन्ट फैमिली को की प्रॉपर्टी को एडिट कर देना है। एंड जो फॉन्ट का नाम आपने वहाँ पर डाला है, कहाँ पर डाला है, पॉपिंस पर डायमल में यहाँ पर डाला है, वो फॉन्ट का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। तो मैंने यहाँ पर डाला है पॉपिंस, मैं यहाँ पर पॉपिंस डाल देता हूँ और पॉपिंस डालने के बाद में मैं मेरे ऐप को करूँगा कम्प्लीटली रीस्टार्ट। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरा कम्प्लीट जो फॉन्ट है पूरा प्रोजेक्ट का वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा और एकदम पॉपिंस वाला फॉन्ट हो जाएगा। देखो पॉपिंस वाला फॉन्ट बढ़िया तरीके से आ गया है। व्हाट डू यू वॉन्ट टू कुक टूडे, मैं यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देता हूँ, साइज़ काफ़ी बड़ा दिख रहा है मुझे। व्हाट डू यू वॉन्ट टू कुक टूडे का तो इसका फॉन्ट साइज़ मैं कर देता हूँ 33। ठीक है, और करता हूँ इसको एक बार मैं हॉट रिलोड। अब ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है और ये अब हमने हमने इतना काम हमें करना था और हमने इतना काम कर लिया। आज के इस वीडियो में आपने क्या क्या सिखाया, आज के इस वीडियो में आपने सीखा कि किस तरीके से आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोजेक्ट के फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। देन इसके बाद में आपने सीखा कि किस तरीके से स्टैक के साथ में काम करते हैं, उसमें किस तरीके से आप कॉलम वॉलम का यूज़ कर सकते हैं, कंटेनर वंटेनर का, और इतनी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपने सीखी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो चाहिए अबाउट फ्लटर डेवलपमेंट तो आप हमारे टेलीग्राम के ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर मैं कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ मेरे जो फ्लटर के ग्रुप में, जो टेलीग्राम के ग्रुप में जो मेरे जुड़े हैं मेरे मेंबर्स, उनके लिए मैं बना रहता हूँ और उन्हें शेयर करता हूँ। तो अगर आपको भी वो वीडियो देखना है तो आप हमारे टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर फिर भी आपको ज्वाइन करने में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको गाइड करूँगा। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतने यार, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।